प्रिलिम्स एग्जामिनेशन हम में से काफी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेन दिक्कत हमारी कहाँ पे आती है मेन्स एग्जामिनेशन पे ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोग इनिशियली प्रिलिम्स को ज्यादा फोकस देते हैं और मेंस एग्जामिनेशन को फोकस नहीं देते हैं इसलिए मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के मेंस एग्जामिनेशन में या तो स्कोर नहीं आता है या उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है अब इसका एक और जो है रीजन हो सकता है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा पहला तो मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन नहीं है अब प्रिपरेशन क्यों नहीं है क्योंकि आपके पास एक क्यूरेटेड प्लान नहीं है एक स्केड्यूल नहीं है जिसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज कोई भी एग्जामिनेशन हो कैसा भी एग्जामिनेशन हो यू नीड अ प्लान चाहे आप किसी और का प्लान फॉलो करो चाहे आप खुद का प्लान फॉलो करो बट अगर आप टाइम वाइज सेक्शन वाइज अपने स्केड्यूल को फॉलो करोगे तभी आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आज इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मेन्स एग्जामिनेशन के प्लान के बारे में बात करेंगे और ये प्लान जो है प्रैक्टिकली मैंने ऐसा ही फॉलो किया था जिससे मेरा भी एग्जामिनेशन क्लियर हुआ एंड आई होप इस प्लान से आपको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपना एक प्लान क्यूरेट करने के लिए और जो भी आपके लूप होल्ड हैं वो आप यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हो तो ये जो मेन्स एग्जामिनेशन का प्लान रहेगा ये आपका अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है एस बी आई पी ओ मींस आई बी पी एस पी ओ मींस एंड आर आर बी पी ओ मींस इन तीनों के लिए रहेगा सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी डेज नाउ एंड इन ट्वेंटी डेज को हमें कैसे एफिशेंटली यूज करना है कैसे बेस्ट तरीके से यूज करना है वो हम आज इस प्लान में देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही कि आप फेल क्यों होते हो प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं होती है आपके पास प्लान नहीं होता है अब प्लान कैसे बनाना है देखो आपके पास तीन सेक्शंस होते हैं आपके पास चार सेक्शंस होते हैं रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस अगर मैं एस बी आई पी ओ मीन्स की बात करूँ और आई बी पी एस पी ओ मीनस की बात करूँ अगर मैं आर आर बी पी ओ मीन्स की बात कर रही हूँ तो उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज का भी जो सेक्शन है वो एडअप हो जाता है तो ये जो होगा प्लान वो आपके सेक्शन वाइज रहेगा एंड विथ डिविजन ऑफ टाइम विथ डिविजन ऑफ मॉकटेस्ट रहेगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द रीजनिंग सेक्शन यहाँ पर देखो रीजनिंग सेक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड पहला हमारा रहेगा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट दूसरा हमारा रहेगा मिसलेनियस टॉपिक्स अब यहाँ पे पजल में कौन से टॉपिक्स आते हैं मिसलेनियस में कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आपके सामने लिखे गए हैं दीज आर जस्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ मिसलेनियस पोर्शन कोडिंग डिकोडिंग हो गया डायरेक्शन सेंस हो गया ब्लड रिलेशन इनक्वालिटीज इनपुट आउटपुट एल्फोबेट सीरीज चूंकि ये मेन्स एग्जामिनेशन में अल्फाबेट सीरीज नहीं आती तो मैंने मैंशन नहीं की मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ये जो है टॉपिक्स देखे जाते हैं ये आपका रहेगा मिसलेनियस में पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी कैसी कैसी आती हैं टॉपिक वाइज देखो बॉक्स पजल डे पज़ल मंथ पजल एज फ्लोर फ्लैट ये सब आती हैं और सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सर्कुलर स्क्वायर हेक्सागोनल रेक्टेंगुलर अब इसमें आपका इनसाइड फेसिंग वाला भी आ सकता है आउटसाइड फेसिंग वाला भी आ सकता है या फिर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की पजल्स भी आ सकती हैं अगर मैं मेन्स एग्जामिनेशन की बात करूँ ठीक है और मेन्स एग्जामिनेशन में क्या रहता है जो भी आपके पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आती है उसके साथ कई बार ये लोग एक और एलिमेंट जोड़ के देते हैं मान लो आपके पास कोई लीनियर या सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आई तो उसके साथ आपको ब्लड रिलेशन ऐड कर देंगे उसके साथ आपको डायरेक्शन सेंस रिलेट कर देंगे तो ऐसे भी हमारे मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो देखे जाते हैं एंड आई होप आपने भी अगर एग्जामिनेशन दिया है तो आप रूबरू होंगे अगर आपने नहीं दिया है तो यू कैन सी द मेवरी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो यहाँ पे इस चैनल पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी अपलोडेड किए गए हैं मैंने करवाए थे आपको तो आप वहां से भी देख सकते हो अदरवाइज आप गूगल भी करोगे तो वहां से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर नहीं देखा तो एक बार देख जरूर लेना अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास अभी ट्वेंटी डेज का टाइम है ये हमें हार्ड हार्ड वर्क ज़्यादा करना है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है उसमें डिफ्रेंशिएशन हमें लाना पड़ेगा अब देखो आप में से जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो अगर पहले भी करते होंगे तो यू ऑल नो इट इज द टाइम फॉर स्मार्ट स्टडी ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है और स्मार्ट स्टडी करनी कैसे है वो हम देखेंगे हार्डवर्क सब लोग करेंगे हम लोग तो स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे करना है देखो सबसे पहले मैं मिसलेनियस टॉपिक्स की बात कर रही हूँ आप लोग इनको ज़्यादा फोकस में लेना क्यों बिकॉज अगर आपकी एग्जामिनेशन में कोई पजल नहीं बन पाती है कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बन पाती है तो ये जो टॉपिक्स होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो आपको बनाने comparatively easy होते हैं तो अगर आप इनको फोकस करोगे ज़्यादा मतलब ये तो आप कर ही रहे हो शुरू से इनको फोकस करोगे तो हो सकता है आपका स्कोर जो है maximize हो पाए अब आपको करना कैसे है यू हैव टू टेक वन टॉपिक ईच डे अगर आज आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो तो उसी को ही पकड़ो मशीन इनपुट आउटपुट कर रहे हो तो उस एक दिन उसी को ही पकड़ो इस तरीके से हर एक टॉपिक को आपको एक दिन लेना है और उसके टेन क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने एग्जाम लेवल के यहाँ पे मैंने टेन क्यों बोला मैंने ऑन एन एवरेज बोला है अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप 15 भी कर सकते हो मिनिमम तो 10 करने ही करने हैं बिकॉज यू हैव टू बी इन द रेस ताकि आप बाकी लोगों से पीछे ना रह जाओ प्लस आपको ही करना है माइनस नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि ये मिनिमम ही है ठीक है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको खुद को भी अच्छे से पता होगा अब तक तो कि आपको एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं तो आप इजीली उसको देख पाओगे इजीली एग्जामिन कर पाओगे कि हाँ ये, इस लेवल का मुझे करना चाहिए इस लेवल का मुझे नहीं करना चाहिए अब ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये कैसे होते हैं ये डुएबल भी होते हैं और समटाइम्स लेंदी भी होते हैं हमारे जो एग्ज़ामिनेशन में होता है ना क्वेश्चन हमारे डुएबल रहते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं थोड़े से लेंदी हो जाते हैं तो हमें छोड़ने भी पड़ते हैं बिकॉज मेन्स एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स अटैम्प्ट नहीं कर पाते सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते तो हमें वो टॉपिक चूज करने होते हैं जिनमें हमें टाइम कम लग रहा है जिनमें हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बनेगी तो अगर आपको लगता है कि बहुत लेंदी है ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो वो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे डेफिनेटली बट आपको अपनी तरफ से 100% परसेंट टू हंड्रेड परसेंट दे ही जाना है अपने एग्जामिनेशन के लिए ठीक है अब यहां पे टॉपिक्स में मैं एक, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो हमारे क्रिटिकल रीजनिंग होती है या स्टेटमेंट इन्फरेंस के क्वेश्चन होते हैं हमारे काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं मेंस एग्जामिनेशन में ये जो स्टेटमेंट इन्फरेंस के क्वेश्चन हो गए या फिर आ, हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए अगर आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आते हैं स्टिल आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिकॉज आपको ऐसा लगता ना कि पढ़ के मुझे इस पैराग्राफ में से क्या इंफ्लुएंस बन रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है राइट right? तो यहां पे आपको डेली का दो क्वेश्चन कर लो तीन क्वेश्चन कर लो आपको समझने हैं और कुछ नहीं करना डेली के दो तीन क्वेश्चन भी इनफ होंगे आपके लिए क्योंकि ट्वेंटी डेज हैं डेली के तीन भी करोगे साठ क्वेश्चन हो जाएंगे एंड एग्जामिनेशन में अगर आपके इस टॉपिक से पांच क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसमें से दो जो होंगे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होंगे जो आप कर लोगे और आप तभी कर सकते हो जब आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी होगी अब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखो कैसे करने आपको डेली के आपको एक दो पजल सिटिंग अरेंजमेंट करनी ही करनी है यहां पे मैंने एक या दो क्यों बोला क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है है ना तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक भी कर सकते हो दो भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस को कम रखा है आप ज़्यादा जोर दोगे कि आप मॉक टेस्ट करो और क्विजेस करो बिकॉज हम लोग अगर मॉक टेस्ट भी करते हैं ना तो उसके एनालिसिस में भी टाइम जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इतना भी कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपने मेन एग्जामिनेशन की तैयारी जो है पहले से भी शुरू की हुई है आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अगर आपको लगता है कि मुझे तीन करनी है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली प्लस आप कर सकते हो आपको माइनस नहीं करना है और आपको कैसे करना है टाइप वाइज करनी है जैसे आज मान लो आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी का ही करो अगले दिन सर्कुलर का कर लो अगले दिन बॉक्स पजल कर लो फिर फ्लोर पजल कर लो इस तरीके से टॉपिक वाइज चलोगे तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे कुछ भी छूटेगा ही नहीं ठीक है अब यहाँ पे हमारे किस टाइप की पजल आती है एग्जामिनेशन में हमारी पजल्स डुएबल भी होती हैं अनडूएबल या स्किपेबल भी होती है और कन्फ्यूजिंग भी होती है ये वाले तो हम सारे कर लेते हैं डूएबल पजल्स स्कीपेबल तो हम लोग छोड़ के ही आते हैं क्योंकि कुछ पजल्स ऐसी होती हैं जो नहीं भी करने वाली होती कंफ्यूजिंग पजल्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है और ये ऐसी पजल्स होती है ना जो एक एक्स्ट्रा एज आपको देके जाती हैं कि आप दूसरे एस्पिरेंट से कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा कहां से आप ट्राई करो कि आप न्यू पैटर्न की पजल्स प्रैक्टिस करो न्यू पैटर्न की जितनी आप पजल्स प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ओल्ड पैटर्न तो सब करते हैं बेसिक पैटर्न सब करते हैं अगर आप न्यू पैटर्न की करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मिल पाएगा तो यू हैव टू डू दिस पर डे अगले 20 दिनों तक अब मैं आऊंगी क्वांट पे क्वांट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगी डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन सी आएंगी डीआईज और केसलेट्स आएंगी सारे टाइप्स की डीआईस ले रही हूं मैं बार चार्ट बार ग्राफ पाई चार्ट सारे टाइप्स की इंक्लूडिंग अर्थमैटिक बेस्ड ठीक है अर्थमैटिक बेस्ड भी आती है और केसलेट्स जिसमें आपके पास नॉर्मल भी आ सकती है अर्थमैटिक बेस्ड भी आ सकती हैं उसके बाद आता है अर्थमैटिक जिसमें फिलअप टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में और ऑप्शन बेस्ड भी आते हैं मतलब आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पे कुछ फिलअप छोड़ देंगे और आपको यहाँ ऑप्शंस दे देंगे तो आपको चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा कौन सा फिल कर सकता हूँ या फिर वो क्या करेंगे एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके जो नंबर है ना वो चेक करने पड़ेंगे कि इसके अंदर कौन सा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं फिर आएंगे मिसलेनियस जैसे डेटा सफिशियंसी अगर आपके बाकी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं तो डेटा सफिश डेटा सफिशियं क्या होता है कि सारे के सारे टॉपिक्स का क्या होता है मिश्रण होता है बिकॉज आपको स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं तीन या चार हर एक टॉपिक में से एक एक भी आ सकती है फिर वो पूछेगा कि आपका जो आंसर है वो कौन सी स्टेटमेंट को यूज करके निकल रहा है ठीक है तो अगर आपने ये वाला पोर्शन क्लियर कर लिया तो वो तो अपने आप ही हो जाने वाला है अब हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस कितने नंबर के हमें क्वेश्चन जो करने हैं शुरू में करूंगी डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको रोज की एक से दो डी करनी है क्योंकि टाइम टेकिंग रहेंगी एंड अगर आप क्विजेस भी लगा रहे हो प्रैक्टिस भी कर रहे हो अलग से कुछ कर रहे हो मतलब मॉक टेस्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपकी एक दो पजल्स तो प्रैक्टिस हो ही जाएंगी तो प्रैक्टिस के लिए आप इतना रखो बाकी जो एक्स्ट्रा कर रहे हो वो आप कर सकते हो आपको क्या करना है हर एक टॉपिक की हर एक डे पे रखनी है इनफ होंगी एक दो करनी कैसे आज आपने टाइम एंड वर्क की दो क्वेश्चन कर लिए पाइप एंड सिस्टर्न के दो क्वेश्चन कर लिए अगले दिन फिर अगले दिन बोट एंड स्ट्रीम के दो क्वेश्चन कर लिए अगले दिन बेसिक बार ग्राफ पाई चार्ट की कर ली तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे एंड फिर आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरा कोई टाइप जो है वो छूट गया है या कोई क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो बाइफर्केशन आपको खुद को ही लानी है तभी आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो क्लियर जो है हो पाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में डूएबल भी होंगे स्कीपेबल भी भी होंगे डुएबल कैसे होंगे हमारे पास जो डी आएंगे ना उसमें से स्किपेबल ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारा डेटा निकालना होता है या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं आता जैसे प्रोबेबिलिटी हम छोड़ के जाते हैं तो वो हम स्किप कर देते हैं ठीक है या फिर हमने मैंजूरेशन छोड़ी तो वो हमने स्किप कर दी वो हमें नहीं आती डूएबल तो सभी लोग कर लेंगे

कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है आपको कहाँ गेन करना है अगर आपको इसमें ज्यादा अच्छा स्कोर करना है तो भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो बिकॉज आपके हर टाइप की जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक नंबर भी चाहिए तो भी अगर आप इतना भी कर लोगे तो हो ही जाएगा एक्स्ट्रा कितना करना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि हाँ मैंने ऑन एन एवरेज यही फॉलो किया था ठीक है और यहाँ पे आर्थामेटिक की बात करूँ मैं तो टेन क्वेश्चन आपको पर डे करने हैं हर टॉपिक से आज आप लोगे टाइम डिस्टेंस स्पीड का दस क्वेश्चन कर डालो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर लो और ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन कर लो बोटन स्ट्रीम लो दस क्वेश्चन कर डालो और कोई टॉपिक है दस क्वेश्चन कर डालो हर दिन अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं बहुत रेयर चांस होता है कि हमें कोई क्वेश्चन जो है आ नहीं रहा जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई मैंसुरेशन हो गई हमने छोड़ दिया कोई बात नहीं आप बाकी टॉपिक्स जो है उनको स्ट्रांग कर लो उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तो डेफिनेटली आपको अर्थमेटिक को भी स्ट्रांग रखना है डीआई भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका डीजेंट स्कोर आ सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप क्या कर सकते हो क्विजेस भी लगा सकते हो आपको डिफरेंट वेबसाइट से क्विजेज़ मिल जाएंगी आप वहाँ से डेली की क्विज होती है डेली लगा लो ऑल्टरनेट डे पे क्विज़ होती है ऑल्टरनेट डे पे लगा लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मुझे टाइमर के साथ ऐसे करने हैं और मुझे ये अटेम्प्ट करना है ये नहीं करना तो जब आप प्रैक्टिस करोगे वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते करते हैबिट एक डेवलप हो जाएगी अब मैं बात करूँगी इंग्लिश सेक्शन की इंग्लिश में देखो सबसे पहले हमारी बायोफर्केशन कैसे जा रही है रीडिंग ग्रामर और डिफरेंट टॉपिक्स रीडिंग में हमारा क्या क्या आएगा एडिटोरियल एंड रीडिंग कॉम्प्रीशन सभी को पता है ग्रामर में जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं एंड टॉपिक्स हमारे कौन कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन में आते हैं एरर डिटेक्शन आता है पैरा जम्बल्स आता है मैच द कॉलम्स आज आएगा पैराफिलर्स स्टार्टर्स एंड क्लोज टेस्ट ऐसे टॉपिक्स हमें एग्जामिनेशन में देखने को लिए भी और पाएंगे जब हमारी ग्रामर स्ट्रांग होगी बिकॉज एरर डिटेक्शन है तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस चीज का एरर है नाउन का है प्रोनाउन का है वर्ब का, का है अगर ये सब चीजें क्लियर हैं तभी ये सब चीजें आप कर पाओगे है ना? तो अगर किसी ने ये नहीं भी करी तो मैं बता देती हूँ कि कैसे करनी है वैसे आई होप जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो ही रहा है उसने तो ग्रामर करी ही होगी अच्छे से ठीक है करना कैसे आपको सबसे पहले मैं आऊंगी रीडिंग पे आपको डेली का एक एडिटोरियल अगर बहुत बड़ा है तो एक जो आप डेली पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करना है अगर छोटे हैं तो आप दो भी कर सकते हो दो एडिटोरियल पढ़ो और जो भी आप डेली की क्विज करते हो वोकेबरी करते हो टेन ट्वेंटी वर्ड्स वो आप करोगे या फिर पास्ट में आपने अभी तक जितनी भी वोकेबलरी करी है उसको आप डेली बेसिस पे पहले वाली को भी रिवाइज करोगे बिकॉज आपको भी पता है कि हमारे जो जो वकीबलरी आती है एग्जामिनेशन में वो कहाँ से आती है अगर आप इंग्लिश सेक्शन अच्छे से पढ़ रहे हो पहले से तो आपको भी पता है कि किस टाइप की विकैबलरी पूछी जाती है राइट right? तो अब उनको जो आपने पुराना पढ़ा है उनको भी रिवाइज करो और जो नए टेन ट्वेंटी वर्ड्स हैं उनको भी आप देख लो जैसे आप डेली कर रहे हो अभी तक वैसे ही डेली का आपको करना है एक रीडिंग कॉम्पिटन आपको करना है आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप क्विज के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको लगता है मेरे पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं कोई भी किसी की भी क्विज लगा लो और उसको कर लो ठीक है और जो हमारे एग्जामिनेशन में टॉपिक्स आते हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी सोशल और फाइनेंशियल रिलेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं कैसे कोई भी सोशल इशू हमें दे दिया जाएगा या कोई भी फाइनेंशियल इशू हमें दे दिया जाएगा उसके बारे में हो जाएगा तो कोशिश करो कि ये जो आप कर रहे हो इनमें आप ये वाले टॉपिक्स भी इंक्लूड करोगे तभी जो है आपको एज अ होल आपकी तैयारी जो है वो हो पाएगी ठीक है ग्रामर पे आते हैं अगर आपने कर रखी है देखो जिसका भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर होगा है ना उसने ग्रामर तो करी होगी उसको क्या करना है सारे के सारे रूल्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिवाइज करने हैं आप डेली का अगर इसको आधा घंटा भी दे दोगे तो भी आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा है ना रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता डेली का चाहे पंद्रह मिनट बीस मिनट तीस मिनट जितना आपको देना है उतना दो अपने सारे रूल्स रिवाइज कर लो और जिसने अभी तक नहीं करे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप अगर YouTube पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे देखते हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बताए जाते हैं कि इतने रूल्स कर लो काफ़ी हद तक ग्रामर कवर हो जाएगी हंड्रेड रूल्स फिफ्टी रूल्स सेवेंटी रूल्स जितने भी होते हैं आप उसको कर लो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसमें आपका पूरा सब कुछ नहीं क्लियर होगा फिफ्टी परसेंट भी अगर मैं कहूँ तो शायद ही हो पाए बट क्योंकि आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उन्हीं को ही कर लेना बिकॉज आपके पास अभी उतना ही टाइम है करने के लिए सारा करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो जो भी आपको यूट्यूब पे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे रूल्स वो रूल्स आप देख लेना और प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग कर लेना नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक्स आपको कैसे करने हैं डेली के क्वेश्चन करने हैं हर हर एक टॉपिक से हर दिन कैसे आज आप क्लोज टेस्ट करोगे उसके दस पंद्रह क्वेश्चन कर डालो अब क्लोज टेस्ट में दस पंद्रह क्वेश्चन ऐसे नहीं करे कि दस पंद्रह क्लोज टेस्ट करो अगर एक क्लोज टेस्ट में सात क्वेश्चन है तो आप दो सेट ऑफ क्लोज टेस्ट कर लो एक क्लोज टेस्ट में अगर दस क्वेश्चन है तो आप एक ही क्लोज टेस्ट कर लो या फिर बीस क्वेश्चन करने हैं तो दो कर लो इस अकॉर्डिंग आप क्लोज टेस्ट के set कर तो कर तो सेट कर लोगे जिसके अंदर जितने होंगे करने बैठोगे तो आपके हो जाएंगे ठीक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो उसके दस क्वेश्चन कर लो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लेंथ कैसी है आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लस कर सकते हो मिनिमम आपको इतना करना ही करना है और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो क्विजेस के थ्रू बिकॉज टाइमर साथ में चलेगा एग्जाम लेवल क्वेश्चन होंगे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये जो आपके टॉपिक्स होते हैं ना स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम लोग सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी आता है राइट और हम में से कई लोग कर नहीं पाते हैं बहुत उसको समझ समझ के बट अगर इन टॉपिक्स में हमारी कमांड है तो डेफिनेटली इंग्लिश सेक्शन में भी हम लोग एक डिसेंट स्कोर

ओके okay. अब इंग्लिश में मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी आता है राइट डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपका क्या होता है उसमें आपके पास जैसे अगर मैं एस की बात करूं तो फिफ्टी मार्क्स का आएगा आईबीपीएस की बात करूं तो आपका थर्टी मार्क्स का आएगा राइट तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आएगा तो उसमें क्या होता है यहाँ पे आपके पास एस राइटिंग और लेटर राइटिंग होता है ना तो एस राइटिंग और लेटर राइटिंग आपको करनी कैसे है लेटर राइटिंग आप गूगल पर देख लेना फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट वो आप गूगल पे सर्च कर लेना और आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं पिछले सालों के जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करोगे फॉर्मेट मैटर आपको सब गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा ठीक है ऐसे राइटिंग की बात करूं तो जो भी आप करंट न्यूज पढ़ रहे हो जैसे करंट अफेयर्स आप सब पढ़ते हो जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है या फिर कोई सोशल इशू हमारे पास है कोई प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में तो उसके ऊपर लिखना शुरू करो एंड आप सेम चीज करोगे पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको उठाओगे और उनके आंसर देखोगे कि हाँ जो मेरे पास आंसर की आई है उसमें किस तरह से उसको क्यूरेट किया गया है आप फॉर्मेट भी देख लोगे आप मैटर भी देख लोगे अगर आपको लगता है ये मुझे कहीं से मैटर चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आपको मैटर मिल सकता है ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपको एक अलग से वीडियो में भी बताया हुआ है तो आप वहां से भी कर सकते हो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से आप उस चीज को रेफर कर सकते हो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको उनको ज्यादा फोकस में करना है क्यों क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एंड हर वीक में एवरी वीक आपको चार क्वेश्चन करने हैं दो ऐसे राइटिंग के दो लेटर राइटिंग के इतने आपके लिए सफिशियंट होंगे ठीक है और हां ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है ये आपका कंप्यूटर पे होता है टाइपिंग करनी होती है आपको एंड जब आपका मेंस एग्जामिनेशन खत्म होता है उसके साथ साथ ये शुरू हो जाता है जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन की विंडो बंद हो जाती है वैसे ही डिस्क्रिप्टिव की खुल जाती है तो आपको टाइम गैप उसमें नहीं मिलता है, ठीक है अब मैं आऊँगी जनरल अवेयरनेस पे तो जनरल अवेयरनेस पे जैसे कि आप ये देख रहे हो प्लान अब ये कौन प्लान है? आई के बारे में मैंने आपको एक प्लान की ऑलरेडी सेशन प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स का प्लान बताया था है ना प्रिलम्स और मेन्स का प्लान बताया था उसके अंदर मैंने आपको ये जनरल अवेयरनेस का पूरा प्लान दिया था जब से हमने वो सेशन शुरू किया था ठीक है तो अगर आपने वो सेशन देखा है उसको आपने फॉलो किया है उस प्लान को

जिन्होंने करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए प्लान उनके लिए प्लान बताती हूँ कैसा करना है अब देखो सच बात करूंगी झूठ नहीं बोलूंगी बाकी एसपेरेंट्स जो पहले से डेली का कर रहे थे उनसे आप पीछे ऑलरेडी हो अगर आप सोचोगे हमें उनसे ज्यादा मार्क्स लाने तो आप नहीं ला पाओगे ये सच है क्योंकि जिस बच्चे ने अभी तक तीन बार ऑलरेडी रिवीजन कर ली है और आपने अभी एक बार भी पढ़ के नहीं देखा है उस बच्चे से आगे आप कैसे निकल सकते हो नहीं निकल सकते बट हाँ हमें कट ऑफ क्लियर हो जाए या थोड़ा सा अच्छा स्कोर मिल जाए उतना हम कर सकते हैं आप ये सोचोगे 80-90 परसेंट मार्क्स आ जाए तो नहीं आएंगे बट आपको करना कैसे अब जैसे कि आपको पता है आपने पहले नहीं किया तो आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपने पहले बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस दिया इंग्लिश को रीजनिंग को और क्वांट को तो डेफिनेटली वो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे ठीक है तो आपको अपने दिन को अपने स्टडी स्टडीज को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप आधा दिन करंट अफेयर्स आप तो कि आपका अच्छा गेम चेंज में. करवाएगा मेंस के एग्जामिनेशन में जो आपको स्कोर के जाएगा करना कैसे है जैसे मैंने बोला आधा दिन आप जनरल अवेयरनेस को दोगे आधा दिन आप बाकी सब्जेक्ट्स को दोगे जनरल आपको खुद से डेली का तो पढ़ना ही पढ़ना है कितना पढ़ना है सिक्स मंथ्स का आपको सबको पता क्या आता है जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है उससे पहले के छह महीने का है ना मेन्थ एग्जामिनेशन जब है उससे पहले के छह महीने की करंट अफेयर आती है एंड अगर मैं ज्यादा बात करूं तो जो हमारे फोर मंथ्स होते हैं ना मतलब अभी वाले मेंस एग्जामिनेशन से पहले वाले चार महीने उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो इसके पहले वाले दो महीने आते हैं उसमें से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं ये हम सबको पता है जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दियाटिवली तो अब आपको कैसे शुरू करना है आपको रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना है आपको उल्टा जाना है डेली का आप कर रहे हो रिवीजन आप उल्टी मतलब अगर आपने नहीं किया पहले मंथली बेसिस पे तो आपको पीछे से शुरू करना है सारे के सारे मंथ्स और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एक दिन में कितना कवर करते हो मैं ये नहीं बोलूंगी आप एक हफ्ते का कर लो आप दो हफ्ते का कर लो बिकॉज हर एक इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है कोई एक हफ्ते का भी कर सकता है कोई दो हफ्ते का भी कर सकता है एंड कितना मेमोराइज करते हो वो इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि आपको अपना आधा टाइम इसको देना है प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आधा घंटा या फिर डेली का जो आपने रिविजन करना है आधा घंटा दे सकते हो और अगर किसी ने पहले ही कर रखा है तो दैट्स बेटर दैट्स रियली गुड एंड आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अभी आप ऑलरेडी जो है जिन्होंने ये वाला प्लान फॉलो किया है आप ऑलरेडी जो है रिविजन भी कर चुके हो अब बारी आती है प्रैक्टिस की तो एम भी करो और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ को आप कवर अप कर रहे हो एक महीने एक हफ्ते का दो हफ्ते का कोशिश करो आप कि आप उसके भी एम जो हैं वो लगा लो बिकॉज आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में जब प्रैक्टिस करने हैं तो अभी आई होप ये जो प्लान है वो क्लियर आपको हो गया होगा ठीक है अब एक और बात आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की जो हमारे आर के एग्जामिनेशन में आता है कंप्यूटर अवेयरनेस में जैसे कि आपको पता है कि ज्यादा जो हमारा पोर्शन होता है ना वो स्टैटिक बेस्ड होता है मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का उसी में से पूछा जाता है ठीक है आपको पढ़ना कैसे डेली का आपको सिर्फ आधा घंटा देना है जिसमें आप पीडीएफ से पढ़ोगे और क्विजेस लगाओगे अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पीडीएफ अवेलेबल है आप वहाँ से करते हो कर सकते हो डाउनलोड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस की पी अवेलेबल है डेली का आप आधा घंटा दोगे उसको अच्छे से करोगे एंड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं क्विजेज़ मिलती हैं उनको आप प्रैक्टिस करोगे मतलब जैसे मान लो आज आपने एक टॉपिक टॉपिक वाइज हमारे पास होते हैं ना जैसे एक टॉपिक किया ना तो उसकी क्विजेस गूगल पे सर्च कर लो आपको मिल जाएंगी उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ऑल्सो आप ये भी कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ उसमें से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि पाँच छे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी रिपीट हो जाए जो स्टैटिक रहेंगे तो वहाँ से भी पाँच छः नंबर आप गेन जो है वो कर सकते हो ठीक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधा घंटा डेली एंड क्विजेज दैट इज इनफ फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस ओके अब बात करेंगे कि आपको क्या स्किप करना है और क्या नहीं करना है बिकॉज मेन्थ एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल आता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या ज़्यादा करना है सबसे पहले बात करूंगी क्या स्किप करना है जो टॉपिक्स आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनको छोड़ दो कीपिंग इन माइंड द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स मतलब टाइम एंड वर्क छोड़ दिया तो बहुत बुरी बात कर रहे हो बोट एंड स्ट्रीम छोड़ दिया तो बहुत बुरी बात कर रहे हो प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया आपने पहले जो काफी एस्पेरेंट्स छोड़ते हैं तो उसको फिर छोड़ ही दो उसको फिर मत करो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बेसिक्स थोड़ा सा पता होना चाहिए तो आप कर सकते हो बिल्कुल एक दिन दे सकते हो आधा दिन दे सकते हो एक दिन तो नहीं बोलूंगी टाइम बहुत प्रेशियस है आपका एक दो घंटा दे दो थोड़ा सा बेसिक देख लो मैं नहीं आती छोड़ दो लेकिन अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप कि आपने पहले नहीं प्रिपेयर किया बट जो आपको लगता है जो टॉपिक्स ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं और आपने पहले नहीं पढ़े हैं समझदारी इसी में उसको छोड़ दो बाकी टॉपिक्स जो है उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लो टॉपिक्स डो नॉट हैव मोर वेटेज इन द एग्जामिनेशन जिनकी वेटेज जो है एग्जामिनेशन में ज्यादा नहीं होती उनको आप छोड़ सकते हो इसी में ही समझदारी है अब किन को करना है जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी ज्यादा वेटेज होती है जैसे कॉन्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम एंड वर्क हो गया पाइप एंड सिस्टर्न टाइम डिस्टेंस स्पीड बोट एंड स्ट्रीम लॉजिकल डिज एंड बजल्स

चार घंटे जिसमें आप डेली की सीए करोगे प्लस रिविजन करोगे ये उनके लिए है जो डेली का पहले से कर रहे हैं जो पहले से ही ऑलरेडी ही डेली का फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बिकॉज जो अभी नए नए आए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा आपके लिए तो चार घंटे भी कम है जनरल अवेयरनेस के लिए ये उनके लिए है क्योंकि आपको प्लस में ही जाना पड़ेगा आपको बाकी एस्पिरेंट से आगे निकलना है आगे तो वैसे निकल नहीं पाओगे बिकॉज जिस हिसाब की आपकी अभी ये चल रही है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं बट आपको एक इसमें प्लस में ही जाना पड़ेगा ये उनके लिए है जो डेली का कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से रिवीजन भी कर रहे हैं उनको अभी भी डेली का ही करना है और रिवीजन भी करनी है जैसे वो कर रहे हैं रिवीजन में बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज रिवाइज करना करो करो करंट अफेयर्स करनी है करो, करने है करो दैट इज अप टू यू ये मैंने आपको मिनिमम दे दिया इतने में आपका हो जाएगा अब देखो इंग्लिश में तीन घंटे आपको देने हैं जिसमें आप रीडिंग भी कर रहे हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो रीडिंग में दोनों चीजें आ जाएंगी आपके एडिटोरियल्स भी आ जाएंगे आपकी आरसीज भी आ जाएंगी और प्रैक्टिस में आप अपना जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे वो आप कर लेना कॉन्ट और रीजनिंग को आपको दो दो आर्स देने हैं जिसमें आप प्रैक्टिस और क्विज कर रहे हो ठीक है प्रैक्टिस एंड क्विज दो घंटे में आपकी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा ढाई धा घंटे लग जाएंगे कोई बात नहीं इतना तो आप पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज टाइम सिर्फ और सिर्फ बीस दिन का है हमारे पास दो महीने नहीं है हमारे पास बीस दिन है और जितना अभी हम लोग अपना एफर्ट डाल लेंगे उतना ही अच्छा हमें आउटकम आगे जो है वो मिल जाएगा तो अभी ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा उतना मीठा आपका रिजल्ट आएगा तो दिस इज उस अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको जो प्लान है वो बताया था क्लियर अब ये प्रैक्टिस आवर्स मैंने कम क्यों दिए हैं क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देने होते हैं आपको अपना एक्स्ट्रा जीके का रिविजन भी करना है एमसी क्यों भी करने हैं तो इस टाइम के अलावा आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो मॉक टेस्ट का भी अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी वीकेंड स्पेशल मैंने लिखा है वीकेंड पे आपको क्या करना है अगर आपका कोई भी मॉक का एनालिसिस छूटा है या फिर आपने किसी भी हफ्ते में मॉक छोड़ दिया था तो आपको संडे को मॉक टेस्ट का देना है या फिर उसका एनालिसिस करना है जैसे आपको ठीक लगे क्योंकि अगर मैं एक दिन की बात करूंगी तो एक दिन में मॉक टेस्ट देना भी एनालिसिस भी करना पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा टाइम जाता है पूरा दिन चला जाता है एक दिन आप मॉक टेस्ट दोगे अगले दिन उसका एनालिसिस करोगे अगर आपको कोई मॉक टेस्ट का एनालिसिस छूट गया था तो वो इस दिन कर लेना या फिर मॉक टेस्ट कोई छूट गया था तो वो इस दिन अटेम्प्ट कर लेना एंड इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस करनी है, जिसमें जो आपने पूरे हफ्ते का पढ़ा है वो तो करना ही करना है रिवाइज एमसीक्यूज करने ही करने हैं अगर आपका कोई पीछे का भी बैकलॉग है, तो वो आप वीकेंड में कवर कर लोगे एंड बाकी सब्जेक्ट्स को वीकेंड पे आप छुट्टी दे सकते हो बिकॉज आपने पूरे हफ्ते में और पहले भी उनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर लिया है अब उन टॉपिक्स को करेंगे जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपने वीकेंड पे अगर मैंने चार क्वेश्चंस बोले हैं तो एक लेटर राइटिंग एक ऐसे राइटिंग आप संडे को रख सकते हो एक लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग आप कभी भी बीच में भी रख सकते हो इतना टाइम आपको मिल जाएगा क्लियर मॉक टेस्ट अब ये मॉक टेस्ट का प्लान उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरा एस वाला प्लान जो मैंने मॉक टेस्ट का दिया था उसको नहीं फॉलो किया जिनको नहीं पता तो मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन अवेलेबल कराया था जिसमें मैंने आपको पूरा प्लान दिया था प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट का कैसे आपको फॉलो करना है पूरा डेट वाइज डे वाइज जिन्होंने वो नहीं फॉलो किया उनके लिए है ये आपको कैसे करना है दो टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे जिनको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी लगती है और जिनको टेस्ट देने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं इसमें फॉलो करती थी मुझे टेस्ट देने ज़्यादा अच्छे लगते थे जो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं वो दो मॉक एक वीक में दे सकते हैं लॉन्ग विद एनालिसिस एक दिन आप टेस्ट दे लो अगले दिन एनालिसिस कर लो ठीक है इस हिसाब से कर सकते हो और जिनको टेस्ट देने ज्यादा पसंद है तीन वॉक एक वीक में कर लेना ऑल्टरनेट बेसिस पे मतलब मंडे को किया ट्यूसडे को एनालिसिस वेंसडे को किया थर्सडे को एनालिसिस फ्राइडे को किया सैटरडे को एनालिसिस इस हिसाब से कर सकते हो तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो वैसे जो मैंने प्रैक्टिस रखी है वो इतनी ज्यादा नहीं रखी है आपके लिए अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक डीआई प्रैक्टिस कर लो एक पजल प्रैक्टिस कर लो जो मिसलेनियस टॉपिक है उसके दस दस क्वेश्चन तो था, था कुछ मैंने आपको डे वाइज डेट वाइज दिया था ठीक है ये उन लोगों के लिए था जिनके पास दो वेबसाइट के मॉक टेस्ट हैं ये उन लोगों के लिए था जिनके पास एक वेबसाइट का मॉक टेस्ट है एंड आई होप आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहे हो इस प्लान को आपने अच्छे से फॉलो अभी तक किया होगा एंड डेफिनेटली आपके जितने यहां पे मैंने टिक किए थे ये दो मॉक टेस्ट वाले दो वेबसाइट वाले एक वेबसाइट वाले इतने जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए थे वो आपने कवर अप कर लिए होंगे और मैंने यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डे बेसिस और दो दो दिन छोड़ के दिए थे तो इससे पहले भी यहाँ पे मैंने नो नो लिखा ना तो इससे पहले भी हमारा पूरा प्लान चला था जिसमें मैंने आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के दिए थे तो आई होप आपने वो भी अच्छे से किए होंगे अब अगर आपको मॉकटेस के बारे में कुछ लगता है कि मैं कहाँ से लूँ तो हमारा हमारी खुद की भी वेबसाइट है स्टडी नीति उस पर मॉकटेस भी अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो एंड मॉकटेस जो रहेंगे एकदम एग्जामिनेशन इंटरफेस है बाईलिंगल है एंड बाकी की जो डिटेल्स होंगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप वहाँ से क्लिक करके मॉकटेस पे जा सकते हो वेबसाइट पे वहाँ से देख सकते हो एंड अगर किसी को लगता है कि मेरे पास प्रैक्टिस मटेरियल पूरा नहीं है मेंस का या फिर मैं कहाँ से करूँ तो हमारा अभी एक पीडीएफ कोर्स भी चल रहा है बंडल पीडीएफ कोर्स जिसमें हमने आपको डे वाइज सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्वेश्चंस क्वेश्चन हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के हैं टॉपिक वाइज हैं वो आपको मिल जाएंगे उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो आप वेबसाइट पे जाके उस पूरे पैकेज को भी देख सकते हो एंड एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन लेवल ही क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट में भी रहेंगे और पीडीएफ बंडल में भी रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस का और मॉक टेस्ट का यहाँ से क्लियर अप हो जाएगा एंड आई होप ये वाले जो हमारे पूरा का पूरा सेशन था उसमें मैंने हर एक चीज़ को बारीकी से कवर किया क्या हमारे स्किप करना है क्या नहीं करना कितने मॉक टेस्ट देने हैं कैसे देने हैं कब कब देने हैं तो आई होप ये जो हमारे डाउट्स होंगे डाउट्स में बेसिकली यही चलते हैं कि क्या कैसे करना है किस दिन करना है तो वो अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा एंड डेफिनेटली अगर आप ये प्लान फॉलो कर लोगे मैंने भी यही किया था तो ही मैं आपको बता रही हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इम्पॉसिबल प्लान नहीं है फॉलो कर लोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आप अपना नाम डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में देखोगे ही देखोगे एंड ये वाला सेशन आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा सभी अच्छे से अब तैयारी करेंगे अपनी जो भी मेन एग्जामिनेशन आपका है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अच्छे से प्रैक्टिस करो अच्छे से टेस्ट दो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस और बस अच्छा करके आना गुड लक एंड स्टे हैप्पी